हेलो एवरीवन सो वी आर हेयर विद द पार्ट फोर ऑन मैंगो अभी तक तीन पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन मैंगो तो ये टॉपिक बेसिकली हम इसके अंदर कवर अप करेंगे एंड टू प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स के बारे में ऑलरेडी शायद आपके पास इन्फॉर्मेशन हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिंपल टेस्ट भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर के आ, कर सकते हो एक्सप्लोर तो उसको जाकर के प्लीज एक्सप्लोर जरूर करें सो अस सी हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के बारे में तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझें तो आप जो दो प्लांट्स प्लांट plant कर रहे हो उसके बीच में स्पेसिंग जो है वो मिनिमल अगर आप रखने की कोशिश करो तो उसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग तो बेसिकली एक फार्मर अपने लैंड को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर पाएगा अपना जो स्पेस है अपना जो एरिया है उसको मैक्सिमम फॉर्म में यूटिलाइज कर पाएगा अब नॉर्मली जब प्लांट्स लगाए जाते हैं मैंगो के तो बेसिकली दो प्लांट्स का जो बीच का डिफरेंस होता है वो टेन मीटर्स का होता है ठीक है तो दस मीटर का गैप रहता है बेसिकली दो मैंगो प्लांट्स के बीच में ठीक है तो एक हेक्टेयर में रफली आप हंड्रेड प्लांट्स ही उस केस में लगा सकते हो जब हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करते हैं तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जो नंबर है वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है जो नॉर्मल प्लांटिंग होती है नॉर्मल प्लांटिंग के अंदर आप देखोगे फ्रूट्स जो है वो भी लेट बियरिंग होते हैं ठीक है पर प्लांट हाई होता है जो नॉर्मल प्लांटिंग है जो बेसिकली आपकी 10 मीटर पार्ट वाली प्लांटिंग है उसमें आपका जो पर प्लांट यील्ड है पर प्लांट प्रोडक्शन है वो तो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाई डेंसिटी प्लांटिंग लेकिन टोटल यील्ड यानी कि टोटल पूरे के पूरे जमीन की प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी ठीक है देखो इसको क्लियरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है जब आप नॉर्मल प्लांटिंग कर रहे हो यानी कि आपका दस मीटर अपार्ट पे मैंगो का प्लांट है तो हर पेड़ की जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी कंपेरेटिवली कंपेरेटिव टू व्हाट? एच डी वो हो गया जहां पर हम जनरली फाइव इंटू फाइव मीटर ले रहे हैं तो फाइव इंटू फाइव मीटर वाले में जो पर प्लांट की प्रोडक्शन होगी वो नॉर्मल प्लांटिंग के मुकाबले कम होगी लेकिन क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर हम ज्यादा पेड़ लगा पा रहे हैं इसी वजह से जो टोटल लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी तो दोनों अलग चीजें हैं ठीक है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बाद एक आती है आपकी अल्ट्रा हाई डेंसिटी इसके अंदर आप और स्पेस कम कर दोगे जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर हम कह रहे हैं कि नॉर्मल में 10 मीटर इंटू दस मीटर का डिस्टेंस होता है इसमें हम पांच मीटर इंटू पांच मीटर कर देंगे तो नॉर्मल में जहां सिर्फ हंड्रेड प्लांट्स आ पा रहे हैं एक हेक्टेयर में वहां पर आपके हाई डेंसिटी प्लांटिंग में चार सौ प्लांट के करीब आ जाएंगे पर हेक्टेयर में अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग नॉर्दर्न इंडिया की कई स्टेट्स में की जाती है स्पेशली अमरापली वेराइटी के साथ इसके अंदर आप ढाई मीटर इंटू ढाई मीटर की स्पेसिंग में भी प्लांटिंग कर सकते हो तो इसमें पर हेक्टेयर के अंदर सोलह सो प्लांट पर हेक्टेयर में आ जाएंगे ठीक है जी अब ये जो हाई डेंसिटी प्लांट्स होते हैं ना ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑर्कड होते हैं इसमें आपको रेगुलर प्रनिंग करनी पड़ेगी कैनोपी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है प्लांट्स के बीच में और अगर आप प्रॉपर उसमें प्रनिंग और कैनोपी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो वो आपका ऑर्कर्ड जो है वो खराब हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंपीट करना शुरू कर देंगे चाहे वो न्यूट्रिशन है चाहे वो शेड है ठीक है हाई डेंसिटी प्लांटिंग का एक और नुकसान हो सकता है मैंगो के केस में एक तो इसका आपका जो पर प्लांट है वो कम होगा वो तो हम अभी समझ ही चुके हैं क्वालिटी के अंदर भी कमी आ सकती है क्वालिटी डिग्रेडेशन भी हो सकता है क्यों क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे हैं और इतने सारे प्लांट्स होने की वजह से क्राउडिंग का इफेक्ट आएगा ओवर शेडिंग हो सकती है क्योंकि कैनोपी ग्रो करेगी अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो शेड क्रिएट हो जाएगी जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और ट्री की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है लाइट पेनिट्रेशन नहीं होगा ना प्रॉपर क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ हो जाएंगे एच डी पे गिले जब हम बात करते हैं इंडिया में तो कुछ सूटेबल वेराइटीज हैं जैसे कि अमरापली वेराइटीज हम ऑलरेडी इन वन ऑफ द लेक्चर्स समझ भी चुके हैं अमरापली आपका दशहरी और नीलम का हाइब्रिड uh, है बेसिकली एंड हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफी सुटेबल इसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि ड्वार्फिंग नेचर है इसका हाइट बहुत ज्यादा अटेन नहीं करता है जिसकी वजह से कैनोपी मैनेजमेंट थोड़ी सी ईजी हो जाती है ठीक है जी फ्रूट लेट में च्योर होता है जुलाई से मिड ऑगस्ट के बीच में डेढ़ सौ से साढ़े तीन सौ ग्राम का फ्रूट होता है जब इसका राइपनिंग स्टेज होता है तब भी ये फ्रूट ग्रीन होता है ठीक है अरुणिका अरुणिका अमरापली और वनराज का क्रॉस है ये भी ड्वार्फ कैनोपी है मीडियम फ्रूट साइज होता है ठीक है दैट इज इस इसको भी आप यूज कर सकते हो एज अंबिका आ जाता है जो अमरापली और जनार्दन पसंद का एक हाइब्रिड है ओवल शेप का फ्रूट होता है ठीक है ये इसके ट्रेड्स हैं यू कैन जस्ट गो थ्रू देम ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी इसीलिए यहां पर ज्यादा टाइम हमें देने की इसको जरूरत नहीं है मलिका ये सेमी डॉर्फ वेराइटी है दशहरी और नीलम का इसको भी आप एच डी पी के अंदर यूज कर सकते हैं और राइट right, अब जब आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हो ना तो एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है कि नेक्स्ट सीजन में आपका फ्रूट बेयरिंग ना हो उसके लिए एक सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं पैकलो ब्यूट्रोजोल पैक्लो ब्यूट्रोज बेसिकली जब आप प्रनिंग करते हो ना शूट की प्रनिंग करते हो हार्वेस्ट के बाद तो उससे क्या होता है एक साल के लिए वो अनप्रोडक्टिव रहेगा फिर आपका क्योंकि फ्लावर्स नहीं इंड्यूस होंगे फ्लावर्स नहीं आएंगे तो उन फ्लावर इंडक्शन के लिए आप पैक्लोबिट्रोजोल का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है अराउंड इसका जो 15 से 20 लीटर पानी के अंदर आप इसको यूज करेंगे एंड बेसिकली जो आपका पेड़ का ट्रंक है ठीक है उस ट्रंक से डेढ़ से दो मीटर दूरी पर आप इसको आप सॉइल के अंदर ऐड कर सकते हैं अलोंग विद वॉटर ठीक है water, और ये बेसिकली आपकी जो फ्लावरिंग है उससे नब्बे से सौ दिन पहले आपको करना पड़ता है सेप्टेम्बर के अंदर और उसके बाद आपको लाइट इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा सीधा सा क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरीके से पूछेगा कि मैंगो के अंदर फ्लावर इंडक्शन के अंदर इनमें से कौन सा कंपाउंड हेल्प करता है नीचे चार चार पांच पांच ऑप्शंस में कंपाउंड्स दे देगा एंड योर राइट आंसर विल बी ठीक है सीधा सा सवाल का जवाब हो जाएगा अब जब हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज ऑल अबाउट कि आप लैंड में से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे गेन करो तो उसके अंदर आप एक चीज और कर सकते हो कि मैंगो के साथ आप कुछ अंडर स्टोरी क्रॉप्स को ग्रो करो ठीक है अंडर स्टोरी क्रॉप्स कैसे हो गए बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैंड है यहां पर आपने मैंगो ट्रीज ग्रो किए हुए हैं मैंगो ट्रीज के बीच में जो स्पेस है इसके अंदर आप लो हाइट क्रॉप को ग्रो कर सकते हो और आप जो अपने मैंगो ट्रीज हैं उनकी जो शूट्स हैं या उनके जो कैनोपी है उसको इस तरीके से उसकी प्लनिंग एंड ट्रेनिंग करोगे कि जो सोलर रेडिएशन रिक्वायर्ड है इन अंडर स्टोरी क्रॉप्स के लिए वो उनको मिलती रहे ठीक है अब जब आप सोइंग या प्लांटिंग कर रहे हो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आप जो आपके अंडर स्टोरी क्रॉप है वो बिल्कुल ट्री बेसिन के अंदर मत लगा देना ठीक है वो आप ट्री बेसिन के अंदर मत लगा देना या इन अराउंड द ट्रंक मत लगा देना थोड़ा बीच में स्पेस होना चाहिए ठीक है जी अ बेसिन इज प्रिपेयर्ड अराउंड द ट्री ट्रंक फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पजेज दस अप्रोक्सीमेटलीवेंटी टू एट्टी परसेंट ऑफ द ऑर्कड इज अवेलेबल फॉर इंटर क्रॉपिंग सत्तर से अस्सी परसेंट एरिया आप यूज कर सकते हो इंटर क्रॉपिंग के लिए एक ऑर्कड के अंदर डिपेंडिंग ऑन द एज। मोस्ट क्रॉप में आ जाता है बॉटनिकल नेम करक्यूमा लौंगा ठीक है टर्मरिक का इमेंस पोटेंशियल है मैंगो के साथ ग्रो करने का क्योंकि शेड को टॉलरेट कर सकता है तो अगर आपके कैनोपी शेड भी क्रिएट कर रहे हैं तो भी आपका टर्मरिक का क्रॉप खराब नहीं होगा लोम सॉइल में आप इसको ग्रो कर सकते हो ठीक है क्योंकि उसमें राइजोम्स का ग्रोथ को प्रमोट करता है तो फाइन प्लोइंग uh, और प्लैकिंग उसके अंदर जरूरी है फर्टिलाइजर्स आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सॉइल टेस्ट जनरली टर्मरिक के लिए एक सौ से एक सौ बीस किलो नाइट्रोजन साठ किलो फॉस्फोरस और साठ किलो पोटेशियम यूज करते हैं ओके उसके अलावा आप एलिफेंट बॉटनिकल नेम फेलस फूटियाम ठीक है इसको भी आप ग्रो कर सकते हो जिसको आप सुरन जिमिकंड ओल भी अलग अलग पार्ट्स में इसको बोला जाता है काफी रेम्यनटिव इंटर क्रॉप है ये भी शेड टॉल रेटिंग है मेडिसिनल यूसेज भी इसके काफी ज्यादा है वेजिटेबल पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता है अचार बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में अच्छा ग्रो करता है ठीक है एंड ये भी आपके वेल ड्रेन सैंडी लोम सोइल्स को प्रेफर करता है ठीक है जी तो ये आपके अंडर स्टोरी क्रॉप है एरिया ऑफ डिस्कशन दैट टू बी डन अब आपको लग रहा होगा कि सर बहुत फास्ट तो नहीं आप चल रहे देखो ये वीडियोस ही बनाई जा रही हैं फास्ट पर्पज के लिए इसके अंदर ये सिस्टम नहीं हम रखना चाहते हैं कि इतना कंटेंट मैं आपको एक घंटे में भी करा सकता हूं बट पेपर को ध्यान में रखते हुए कंटेंट आपको इस तरीके से दे दिया जा रहा है कि बस आप फटाफट से ग्रैब कर लो ठीक है जो होते हैं ना क्विक ग्रैबर्स होते हैं जो चाय के साथ आप चार बजे स्नैक्स खा रहे होते हो ये वीडियोस मैं बनाई इसी ले रहा हूं ठीक है आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने की जगह ये वीडियोस देख लो है ना आप दो बजे लंच कर रहे हो वीडियो देख लो आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो आप थोड़ा वॉक कर रहे हो कॉरिडोर में या अपने घर में तो आप ये वीडियो देख लो आप शाम की चाय पी रहे हो तो आप ये वीडियो देख लो ठीक है तो बेसिक पर्पज ही इसका जो है ये है ओके बेसिक पर्पज ऑल राइट तो इसको हमने ध्यान में रखना है चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एंड कमेंट करके जरूर बताएं लेक्चर कैसा लगा लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय